और फ्राई कर मैंने पहले आराम कर लेना जूस पी के, लेकिन एनीमा जरूर करना, उसके बाद ही गन्ने का रस पीने आना, आपको बहुत अच्छा महसूस हो। आप एक बार करके देखिए, जो बहुत पुराने साधक हैं जिनको कोई रोग नहीं है, खाली अपने आप को रिचार्ज करने आए और कोई भी रोग नहीं है, तो आप दो बार एनीमा करोगे तो चलेगा, लेकिन दो बार तो सेमिनार में करना ही पड़ता है। हम भी करते हैं जब सेमिनार में होते हैं तो दो बार, हम कभी एक बार भी करते हैं क्योंकि हम लगातार सेमिनार में ज़्यादा रहते हैं, तो हमें समझो महीने में 20-25 दिन सेमिनार में है, तो फिर हम एक बार करते हैं। लेकिन एक बार हम सारी मुद्राओं में अच्छे से सुबह में नहाने से पहले कर लेते हैं, जैसे रूटीन लेटरिन जाके एनीमा करके फिर स्नान कर लेते हैं, फिर पूरा दिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही जूस पीते हैं ना फिर उसका धक्का लग ही जाए। तो जो भी है आप लोग आए हैं, कम से कम दो बार एनीमा तो करना ही है, और जिनको ज़्यादा तकलीफ है या आपको ऐसा लगता है तो आप तीन बार कीजिए, इसमें भी 10 दिन करने में कोई दिक्कत नहीं। एनीमा कब तक? 15 दिन दो टाइम, 15 दिन एक टाइम, इसको क्रमशः कम करना है। आजीवन हमें थोड़े ना एनीमा से जीना है, फिर तो हमारा आहार ही ऐसा होगा कि नेचुरल एनीमा हो जाए। वैसे जूसेस भी हम आपको बताएंगे, ये शुरुआत में ही एनीमा करना होता है जब डिटॉक्स करते हैं। तो आपको जैसे पहले इधर आप 10 दिन हो तो 10 दिन आप तीन बार कर लो, ठीक है, फिर आप 10 या 15 दिन दो बार कर लो, फिर आप 10-15 दिन एक बार कर लो, फिर आपको करना है 10 दिन के लिए ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर 10 दिन दो दिन में एक बार, फिर 10 दिन तीन दिन में एक बार, यानी हफ्ते में दो बार, फिर हफ्ते में एक बार। ये लाइफ टाइम, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार, लाइफ टाइम। लेकिन कब? तो जब आप हफ्ते में एक बार, आप जिस भगवान को मानते हैं, आपको जिसने जन्म दिया है, आपको जिसमें भी श्रद्धा हो, उसके लिए हफ्ते में एक या दो फास्टिंग आपको करने, आजीवन निरोग रहने, उपवास, क्योंकि उपवास में ही ताकत है। और कैसा उपवास? जूस, फ्रूट, फलाहार, पकवान कुछ भी नहीं, साबुदाने की खिचड़ी नहीं, सामान नहीं, हाँ, फिर वो खा के उपवास किया जाए, वो उपवास नहीं है, वो तो लोग और खाते हैं। अरे उपवास में कितना बनाते हैं, मैंने देखा है, चीज तल के खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, और हाँ कितना बनाते हैं, और रूटीन खाने से ज़्यादा खाना खाते हैं उपवास। ऐसा उपवास नहीं होता। उप यानी नज़दीक, वास यानी रहना, किसके? भगवान। तो भगवान के नज़दीक रहने के लिए हमें उपवास करना है, और जिसने हमें जन्म दिया उपवास आप उसके लिए करोगे, लेकिन आप आजीवन निरोग हो। अगर हर तीन दिन में एक उपवास करोगे ना, यानी दो दिन खाया, तीसरे दिन खा लिया, पको, आप देखिए आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, किसी की भी आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया। WHO भी अब कहता है कि हफ्ते में दो उपवास करने चाहिए, हर तीसरा दिन उपवास यानी रसाहार फलाहार। मैं ये नहीं कहती कि सबको निर्जल करना है, निर्जल सब लोग नहीं कर सकते। कैंसर पेशेंट होते हैं उसको करवाते हैं, क्योंकि उसकी ऑटोफेगी एक्टिव होके उसके सेल भूख के मारे अंदर तड़प के मर जाए और एनीमा के जरिए बाहर निकल जाए, तो उसका कैंसर खत्म हो जाए। तो कैंसर पेशेंट को निर्जल उपवास, लंबे निर्जल उपवास 10-10 दिन के, 15-15 दिन के करवाते हैं, हाँ, लेकिन कैंसर खत्म हो जाता है। और जैसिका बेन पटेल का खत्म हुआ है, वो आएंगे, आनंद ही रहते हैं, वैसे न्यू जर्सी रहते हैं लेकिन अभी वो आनंद है, तो वो आने वाले कल कल आएंगे सर उनका। आप वैसे भी मौन में रहोगे तो पढ़ना अच्छा रहेगा, आप ध्यान करोगे, पढ़ोगे, जो भी करना है। नहीं, आप रूम में ले जा सकते हैं, लेकिन वापस जहाँ से ली है वहीं पे चीज रखनी है। और भी आपको कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दे दे, अभी ये आए हैं भैया, तो कि सबको सुबह में नहाने का पानी गर्म आता है, करीबन 8 से 8:30 बजे शुरू होता है।
यहाँ से किसी को योगा आता है? योगा कोई करवाने वाला है? कोई इधर से किसी को आता है योगा? क्योंकि हमारे जो योगा टीचर है वो अभी विपस्सना में है, वो 14 तारीख को आए, तो हमने सोचा किसी को आता है तो योगा करवा दें, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सुबह में मेडिटेशन कर लेंगे, है ना? नहीं आता है तो, और वॉक करना है तो वो अलग बात है, लेकिन मेडिटेशन करेंगे। फिर 14 तारीख को ज्योतिबेन आ जाएंगे, तो फिर 15 से वो लेंगे, वरना तो वो आते ही है, योगा बहुत अच्छा करता है। तो आप सुबह में मेडिटेशन करेंगे, अपने नल में पानी आता है या नहीं आता है बंद रखना, जिनके एक रूम में एसी है जब ना हो तब एसी बंद रखें, लाइट फैन, जैसे हम अपने घर में रहते हैं ना वैसे ही ये प्रॉपर्टी को हमें संभालना है।